खुलेआम सड़क पर। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा, अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी खुलेआम सड़क पर। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों, लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों। अरे शर्म करो यार, छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है, हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू, जय हिंद।